स्टूडेंट ऑल द फाइव स्टेटमेंट्स फॉर के फोर स्टेटमेंट क्या है हमें लिखे हुए हैं, हमें इनमें से स्टेटमेंट नंबर साइन करना है और उसे एप्रोप्रिएट साइन देना है. ओके लेट अस सी. एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड. एक एरोप्लेन जो उड़ रहा है 2000 की मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, यहां से एरोप्लेन उड़ रहा है कितनी ऊंचाई पे 2000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से स्टूडेंट जब भी ग्राउंड से ऊपर की बात होती है हम प्लस लेते हैं, ग्राउंड से नीचे की बात होती है तो वी टेक नेगेटिव साइन. सो 2000 इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म 2000 दिस इज अवर इंटीजर एप्रोप्रिएट साइन में क्या आएगा पॉजिटिव, ये हमारा फर्स्ट का आंसर. सेकेंड अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल. सपोज स्टूडेंट दिस इज द सी लेवल और सबमरीन का तैरती है पानी के अंदर कितना 800 मीटर नीचे, तो नीचे की जगह क्या लेते हैं माइनस साइन, तो क्या होगा सेकेंड का आंसर माइनस 800 मीटर. गॉट इट, पता चल रहा है. क्वेश्चन नंबर थ्री अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200. स्टूडेंट डिपॉजिट मतलब जमा, बैंक में अगर आपके पास आज 1000 रुपीज है और 200 रुपीज आपने बैंक में डाल दिया, 200 रुपीज एड किया तो आपके अकाउंट बैलेंस कितना हो जाएगा 1200 रुपीज. दैट मीन्स डिपॉजिट में रकम एड होती है जुड़ती है तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव साइन. थर्ड का क्या आएगा आंसर प्लस 200. फोर्थ विड्रोवल ऑफ रुपीज 700. विड्रोवल विड्रो मतलब निकालना, एटीएम में जाके आपके पापा पैसा निकालते हैं ना, कभी आप गए होंगे एटीएम वहां पर भी देखा होगा कि आपको बाहर खड़े बैठे या फिर आप अंदर गए होंगे एटीएम में कार्ड आते हैं एटीएम में से पैसे आते हैं ठीक है. विड्रोवल ऑफ रुपीज 700 विड्रोवल मतलब निकालना, निकाल डिपॉजिट का मतलब जमा करना प्लस विड्रोवल मतलब निकालना, निकालने से बैलेंस माइनस होता है. आपके बैंक में 1000 रुपए है आपने 500 निकाला तो 500 कम हो गया 500 बचा मतलब माइनस, तो फोर्थ का आंसर क्या होगा माइनस 700 रुपीज. गॉट इट स्टूडेंट, पता चला. ओके ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन. स्टूडेंट ए प्लस 5 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है बताना, तो आप क्या करेंगे पहले नंबर तो देखेंगे, नंबर तो पॉजिटिव है प्लस 5 है मीन्स मुझे नेगेटिव की वैल्यू कम जरूरत है, तो आप यहाँ पे 0 ले लीजिए -1 -2 ले लीजिए और फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 फाइव नंबर का है इधर इसको मार्क कर दीजिए -10. नंबर को देखते ही पता चल रहा है मुझे नेगेटिव वैल्यू ज्यादा चाहिए मीन्स 0 से लेफ्ट साइड, तो आप राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर 1 या 2 ले सकते हैं. देन पुट 0 देन -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10 10 इज हियर मार्केट, इसको मार्केट मीन्स 0 के लेफ्ट साइड में मुझे नंबर ज्यादा लेना है. माइनस वैल्यू है तो 0 से लेफ्ट में वैल्यू ज्यादा चाहिए राइट में कम, पॉजिटिव है तो 0 के लेफ्ट में वैल्यू कम चाहिए राइट में ज्यादा. ये लेफ्ट है और ये राइट है प्लस 8 मीन्स नेगेटिव वैल्यू कम चाहिए फिर भी हम दो वैल्यू ले लेंगे -1 -2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 इज हियर 8 को मार्क कर दीजिए. स्टूडेंट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज बहुत जरूरी है कि जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करें तो दो नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इधर भी सेम सब सब जगह सेम होना चाहिए. ओके स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच न्यू एक्सरसाइज न्यू स्टफ. ओके थैंक यू.